अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तहमीस वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो है कहाँ पे हानी, अस्सलाम वालेकुम करो। आज हम लोग आए हैं बीच पे, और चले जी आपको अपने साथ रखते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यूज। तो जी नाम है इसका ब्राइटन बीच, तो आप इसका व्यू देख सकते हैं। आओ हानिया, हसन जो है वो कार पार्किंग के लिए गए हैं और हम लोग यहाँ पे एक्चुअली पिकनिक करने आए हैं, क्योंकि हम लोग अपने साथ यहाँ पे अपने खाने वाने सब कुछ साथ लेकर आए हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे साइड पे वॉलीबॉल चल रही है, ये साइड पे वॉक चल रही है। जैसा कि आपको बताई थी कि हम लोग यहाँ पे पिकनिक करने आए हैं और अपने खाने साथ में ले आए हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वेदर हो रहा है, क्योंकि शायद पानी की वजह से। और हम लोग इन चीज़ों को अपने ज़्यादा से मिस करते हैं, बाकी और कोई चीज़ को मिस नहीं करते। तो इतना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत व्यू है। चले और मैं आपको दिखाती हूँ और साथ साथ मतलब बताती जाती हूँ आपको। तो ये है यहाँ की बीच की स्पेशलिटी के आप पानी में बैठे नहाए कूदे। हसन तुम क्यों खुश हो रहे हो? मैं तो कुछ नहीं हो रहा। हसन बता दो, मैं रहता ही खुश हूँ, मेरी आदत है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हाँ, और अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे। और ये हुरम का हाल है कि हुरम के कपड़े पहन लिए नहाने वाले हो, देखे हुरम के हाल। और ये हानिया जो है वो कैसल बनाने में मशहूर है। हानी कहाँ तक पहुँचा आपका कैसल? बहुत है, कितना काम रह गया? आज बन जाएगा कि कल दोबारा आना पड़ेगा? दिखाओ कितना प्यारा लग रहा है ये सारा। ये बिना काला और अंकल काम कर दो। ये कुल्फिया खिला रहे, बुला रही है और कह रही है बिना काला सबको बुला रही है कि इधर ही आ जाओ, खाना शाना यहीं पे ही खाते हैं आज। जिसको ड्रेस चाहिए होगा मैं टैग कर दूंगी बिना। और ये हमारे पीछे आप जैसे देख रहे हैं लोग अंदर ही हैं सारे। और फिर ये हानिया, हानिया बना कि नहीं बना? देखिए जी, हसन को भी जो है ना वो पानी को देख के ना नहाने का शौक चढ़ गया। बस जरा हम लोग को प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ऑफकोर्स हम लोग बीच के यूज टू नहीं है, तो जरा सैंड से ना हमें इशू हो रहा है। वो सैंड जैसे लगती है ना, तो हुरम भी और हानिया भी कह रही इसको साफ करें साफ करें, तो कैसे साफ करें? ये ड्राई होने के बाद ही उतरेगी। पानी में नहीं जाना। और हसन इसको हाथ रखना, जैसे जैसे शाम हो रही है तो पानी का फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वेव जो है वो तेज होती जा रही है। आप देख सकते हैं कैसे वेव तेज हो रही है। और जिनको स्विमिंग आती है वो देखें, वो वहाँ तक चले गए हैं। और जबकि इतना डीपली जाना जो है वो अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो तभी जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है वो लाइफ सेवर जो है वो बुझाते हैं विसल के वापस आए। असल में देखो बंदा वो आगे चले गए, इतना तो अलाउ ही नहीं कर रहे वो। जिसको तैरना आता है वो जा रहे हैं, वो तो वो जा रहे हैं लाइफ सेवर। हाँ, लाइफ सेवर भी जा रहे हैं, वो पूरा कॉस्ट्यूम पहन के और सारा वो तैरने वाले हैं। ओके, वो स्विमर है। हसन की कॉस्ट्यूम और सारा, हसन की शॉर्ट जो है कहाँ तक देखे आप, सोचे पानी आ गया है, इतनी मतलब तेज जो है ना उसकी वेव्स आ रही है। और ये हुरम जो है वो हुरम सर्चिंग में है कि मेरे ना मेरे हाथ में फिश आ जाएगी तरीके से। फिश नहीं आई लेकिन हुरम आ गया। हुरम तो कुछ नहीं पकड़ा आपने? क्या पकड़ा था? पानी पकड़ा मैंने, चावल चने वाले, क्या क्या बनाया तुमने? चने वाले चावल और टिक्के वेजेस और सब फ्रूट्स है। अच्छा, साथ फ्रूट सारा कुछ है। चलो जी, ले अब ये खाने की तैयारी शुरू हो गई है। इधर आ जाओ मामा के पास, मैं जाता हूं। क्या कहा आपने? आपको भूख नहीं है तो फिर किसको भूख है? ये जी खा पी के अब फारिग हो गए, तो हम लोगों ने कहा चलें एक चक्कर लगा लें। तो हम लोग खाना हजम कर रहे हैं, हम खाने पीने को हजम करने का सोच रहे हैं, लेकिन तैयबा की स्पीड बहुत स्लो है। खाना पीने का बड़ा मजा, खाना पीने का खाना जो है वो चावल और
टिक्के वगैरह बड़े अच्छे बने हुए थे। टाइम क्या हो गया अंकल? 7:21। अब अगर आप देखें हमारे पीछे तो लोग सारे जो है वो पानी के अंदर, और यहाँ पे लाइफ गार्ड जो बार बार बाहर निकाल रहे हैं और लोग बार बार अंदर जा रहे हैं। पानी इतना ठंडा हो गया है कि हुरम के लोग हुरम इन्हें देखो बेटा, ऐसे जले जले कछुआ चल रहा हूँ। हुरम को ना ठंड लग रही है तो हुरम का शुक्र है मैं चावल लेकर आई थी तो उसको मैंने चावल दे दिया है। हुरम का हानिया का कैसल दोबारा से रीबिल्ड होगा क्योंकि किसी ने उस कैसल को बिल्कुल प्लेट जैसा कर दिया है ना। कोई नहीं मेरा बेटा, अभी उसको पहले फाइंड आउट करके तब फिर उसको सीधा करेंगे हम लोग। सारा इस वक्त रात के इस टाइम पे नहीं, फिर उसके लिए स्पेशल किसी दिन चक्कर लगाएंगे। कहा वो फिर किसी दिन, अभी मेरा सनसेट का टाइम है ना, वो अर्ली करते हैं। हाँ हाँ आ जा सकते हैं, वो लाइफ जैकेट पहनाएंगे आपको। लगता है इसको ना घर में एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, जो वो सरेआम बीच में योगा करना शुरू के लिए माहौल बनाने की बात होती है। हाँ, माहौल की जिसको जैसा माहौल के लिए तो खड़ी ही है वो। हाँ, तो इसमें ये देखिए जी, अब ये हम लोग हाँ पी के तो वॉक के लिए निकले। समुन्दर जो है उसमें पानी, क्योंकि जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे वेव उठा रही है और पानी अब ऊपर आना शुरू हो गया। तो नेचुरल खाना एक्सरसाइज करना, हम लोग इतना बैठे नहीं रहना। खा पी के उस साइड पे हम हुए, अब इस साइड पे हम जा रहे हैं। बस इनको जरा वो योगा वाली आंटी को ज्यादा ही ट्रैक कर गई है, वो भी आपको पता होगा क्यों की है। तो अब हम उस तरफ, पहले उस तरफ गए थे, अब हम इस तरफ को जा रहे हैं। जब हम भी ऐसे तो अब करेंगे तो हम भी अच्छे लगेंगे। तो करो 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 नहीं वो भी मैं तुम्हारे अलावा आए करूंगी। तो नहीं बेटा, ब्रिज पे जा रहे हैं बताओ। हम लोग ब्रिज पे जा रहे हैं वो। अच्छा मैं एक मजे की बात आती हूँ। अभी ना मैं ना जब वो रॉक्स पे खड़ी हुई थी ना, तो मुझे कहती है नहीं मामा, मैं ना नीचे उतरने लगी, कहती नहीं मामा नीचे ना उतने वाटर व्यू है ना वो गंदा है। मैंने कहा क्यों? कहती मैंने पीपी कर दिया। मैंने कहा बेटा आप तो जो आधा हो गया कोई बात नहीं, मामा उतर जाती है। बच्चे कितने मासूम होते हैं। ये बात सुन रहे थे, हम भी अपने बचपन में बहुत करते रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है वो समुद्र में नहीं करते थे क्योंकि लाहौर में तो समुद्र है ही कोई नहीं, तो नहर में नहाते थे हम लोग। नहर में या कभी कभी स्विमिंग पूल में भी ये काम हो जाता है। नहर में नहीं नहाए, सच्ची बात नहीं, लड़कियां नहाती भी नहीं थी। लड़के हमें वो नहर देखती की नहाती कितनी गंदी नहर थी, वो काली नहीं पानी। हम ही तो थे गंद डालने वाले, वही ना, तभी तो हम जाते भी नहीं थे। लेकिन बहरहाल आज का दिन जो है माशाल्लाह, कहते हैं ना पानी के साथ आपकी अपनी खूबसूरती होती है, एक अपना दिल होता है। बहुत प्यारा वेदर है, बहुत प्यारा। हानिया ने बेचारी ने दो बार घर बनाया अपना और दोनों बार जो है ना वो टूट गया, और आपकी बार तो वहां तक वेव्स आ गई है। और ये भी किसी ने बनाया है कुछ, ये देखिए अभी ये कुछ बना के तो उस पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। क्या बनाया है और क्या तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर, ये देखे। ये यहाँ बच्चे घर से प्रिपरेशन करके आए थे और वो बास्केट और ये सारा कैसे सामान लेके आए। तो ये कैसल और उसके दरमियान में शेल्स, और बेचारी मेरी हानिया कब से, हानिया बेचारी बड़ी देर से कोशिश कर रही है लेकिन वो बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये कार्गो शिप है, वो आगे उसके देखो ना, वो सारा उसका वो कार्गो जहाँ पे उसके वो रखे जाते हैं कंटेनर। अच्छा एक चीज जो इस बीच की देखने वाली है, यहाँ पे आप सफाई देख लें, यहाँ पे आपको इक्का दुक्का कोई चीज जैसे ये एक केन पड़ा हुआ है कोई, अभी मतलब सफाई इसकी हो जाएगी। लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करते हैं लेकिन मोस्टली लोग अपना सामान उठा के ले जाते हैं साथ। आपको यहाँ पे बीच पे जैसे भी आप देखें जिस तरह भी देखें आपको कोई गंद कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। सॉरी टू से न्यूयॉर्क में सफाई रहना बहुत बड़ी, न्यूयॉर्क जैसे शहर में बीच का इतना साफ होना बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत हैरत की बात है कि मैं जिस जब शहर साफ नहीं है लेकिन बीच बिल्कुल साफ है। क्योंकि स्ट्रीट्स तो बहुत गंदी है, मैं स्मेल है उनके। तो आप अगर इसको जो है वो बीच को कहीं से भी देख लें, और हमारे वहाँ पे लोगों ने जो आता है वही खा पी के सब कुछ वहीं पे फेंक के चला जाता है, तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें अपनी चीज़ों को समेट के वापस लेके जाने की ज़रूरत है। वो तोहफे अगले आने वालों के लिए छोड़ के ना जाएं,
बल्कि उसको जो है वो क्लियर करें अपने सामान को, अपनी अपनी जगह कोई नीट करे ना तो सब कुछ नीट होता जाता है। बिल्कुल। जी ये स्विंग्स जो है वो खुरम को नजर आ गए, लेकिन ये हमसे अभी भी काफी दूर है, तो हम पैदल जाना तो मुश्किल है क्योंकि गाड़ी भी हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है। तो जो है क्या कहते हैं उसको, अब इन लोगों का दिल कर गया, अभी वापस जाते हैं तो फिर उसके बाद देख के बात करते हैं। अगर तो जाने का प्रोग्राम बना तो फिर वीडियो वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर दूसरी साइड की वीडियो बनाएंगे। तो सही बात तो जो है वो कह रही है, मैंने तो जाना है तो जाना है तो जाना है, क्या कह रही है दीवा, जाना है तो जाना है पूरी पूरम जाना है सिंह में। चलो ठीक है, प्यार करती हूँ, पानी की लहरों में भी तुम्हारा नाम लिख रही हूँ, ये लहरों में नहीं, रेत पे मेरा नाम लिख रहा है, मिट्टी पर निशान रह गया कि ये असन की और मेरी मोहब्बत की जगह। अच्छा देखो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, चलो आ जाओ फिर इस प्यार को लेके ना जेल में डाल लो और आ जाओ। इतनी बड़ी बनी थी पर इसने तोड़ दी, खुरम ने क्या किया। ओके जी, तो अभी हम लोग घर वापस आए, घर वापस आने के बाद थोड़ा चाय शाय का प्रोग्राम था और बीना खाला और अंकल ने तो मना कर दिया कि वो लोग तो नहीं जाना चाहते स्विंग्स पे, क्योंकि अंकल को कुछ काम था और बीना खाला ने कहा वो भी घर खाना शाना बना ले। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी में गया और जब वापस आया तो सब बदल गया हुआ था, तेला वगैरह भी कहा फिर हम भी किसी और दिन चले जाएंगे। तो अब चाय बनी और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं डिसाइड किया फिर किसी और दिन जाने का। तो फिर ये है कि अब फिर किसी दिन चक्कर लगेगा आपके साथ, तब तक के लिए आप जो है वो हम लोगों को इजाज़त दीजिए और आपका अब तक लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।